अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आज की वीडियो जो है थोड़ी सी इंटरटेनमेंट वाली होने वाली है, बेसिकली एक व्लॉग टाइप ही आप समझ लें, क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा टैक्स से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आज की वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को इंटरटेन किया जाए। तो मैं ये क्योंकि मैं चाह रहा था, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा, एग्जाम्पल आपने बचपन में भी सुनी होगी कि भाई पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी खेल कूद और इन्जॉयमेंट भी अच्छी होती है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा आज आप लोगों को मैं इंटरटेन करूँ, आज आप लोगों को बताऊँ कि मेरा आज का दिन क्यों इतना हैक्टिक गया है। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मैं अपने जो है स्लीवलेस शर्ट पे हूँ, मैं ये बेसिकली मेरा जिम की शर्ट है ये। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं डायरेक्ट अपने कॉलेज से आया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जिम चला गया। जिम से आके मैंने काम किया है वो मैं आपको बताता हूँ आज क्या काम किया है मैंने। थोड़ी सी टेक्स रिलेटेड भी थोड़ी सी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या काम किया है। तो चलें ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज क्या मैंने काम किया है। जी गाइस, काम आज मैंने ये किया कि आप लोग सामने देख सकते हैं वॉल पे आपको मेरा जो है स्ट्रॉन्ग फाइबर का हुआवे का वाईफाई राउटर नज़र आ रहा होगा। ये राउटर पहले पड़ा हुआ था यहाँ पे नीचे। यहाँ पे इसका मसला ये होता था कि इसके थोड़े से सिग्नल्स कम आते थे, और मतलब मेरे रूम में। और दूसरा, ये मेरी मम्मा की डेकोरेशन थी, जिस जो हमेशा मुझसे कहती थी कि अपना राउटर यहाँ से हटाओ, यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सामने मेरी मम्मा के सामने डेकोरेशंस हैं, और आप लोगों को सामने मेरी गाड़ी का एक इंटेक पुराना वाला पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसको मामा ने जो है एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर लिया है। तो ये अब आप देख सकते हैं, इसको मैंने जो है आज मैंने फुल टाइम लगा के इसको मैंने ऊपर फिक्स किया है, ताकि पूरे मेरे घर के अंदर इसके सिग्नल राउट करें। एक्चुअली मैं इसके साथ जो है लगाना चाह रहा था टीपी लिंक का या एक टेंडा का, वो आता है एक्सटेंडर, जिसके जो उसको एक्सटेंडर भी बोलते हैं, रिपीटर भी बोलते हैं उसको, जिसके 3 एंटीनास निकल रहे होते हैं, जो कि 300 MBPS का होता है। तो वो एक्चुअली मेरे फादर मुझे परमिट नहीं कर रहे थे वो लगाने पे, क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे कि आगे तुम्हारे वाईफाई से मैं तंग हूँ, क्योंकि इसके अंदर से जो है वो वेव्स निकलती हैं वाईफाई के अंदर से, जो कि क्या करते वो उनको क्या वो कहते हैं, मेरे फादर कहते हैं कि ये जो होती है ह्यूमन के ब्रेन के लिए जो है ये अच्छी नहीं होती है। तो फिर उनको से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि भाई मुझे थोड़े से सिग्नल्स तेज़ चाहिए, तो उन्होंने कहा सिग्नल्स अगर तेज़ करें तो उस डिवाइस को उठा के ऊपर लगा दो, ताकि जो उसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। फिर बाकी वो कह रहे थे स्टैंडर्ड वगैरह घर में नहीं लगाना। तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के, आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने ऊपर कहीं करके फिक्स किया, इसको मैंने अपनी वॉल के ऊपर, उसके साथ सारी इसकी जो है कम्युनिकेशन वायर्स जा रही हैं, और ये आप नीचे देख सकते हैं मेरा कॉर्डलेस फ़ोन पड़ा हुआ है, एक उसकी जो टेलीफोन वायर जा रही है, पर सारी क्योंकि केबल टीवीज को भी फीड करती है। तो बस ये आज का मेरा बड़ा हैक्टिक दिन गुजरा है, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत ईजी लग रहा होगा इसको हैंग करना, लेकिन इसकी पूरे कनेक्शन वगैरह बनाना सब कुछ करना बहुत मुश्किल काम था। तो अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे रूम में क्या हुआ है। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो रूम में है ये RG7 की केबल की वायर पड़ी हुई है, जो कि मैं लेके आया था, और जो जितनी बच गई वो मैंने यहाँ पे रख दी है। और उसके बाद जो है अब आप लोग थोड़ा सा आगे चले मेरे PC के पास चले, तो आप लोग ये देख सकते हैं पूरी इसकी जो मैंने ईथरनेट केबल वगैरह सारे से कनेक्शन उतरे हुए हैं, क्योंकि इसकी ईथरनेट केबल जो थी वो भी मुझे चेंज करनी पड़ी थी, वो भी छोटी पड़ गई थी। तो अब इसके भी ज़रा सारे कनेक्शन वगैरह करने पड़ेंगे, बैठ के अब इसको भी करते हैं कनेक्शंस करके, उसके बाद फिर आपसे फाइनल PC को ऑन करके मिलते हैं। जी गाइस, फाइनली PC मेरा ऑन हो गया, सारे कनेक्शंस वगैरह हो गए हैं इसके, और जो है माशाल्लाह से दोनों स्क्रीन्स पर डिस्प्ले आ गया है, और इंटरनेट वगैरह सब कुछ चलना शुरू हो गया है। अच्छा गाइस, एक बहुत सारे मोस्टली लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब मैं आपको आज के ही व्लॉग में देने वाला हूँ। तो ज़रा सबसे पहले मैं आपको अपना फेस दिखा दूँ। गाइस, वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, कंप्यूटर्स का करते हो आप, गाड़ी जो अपनी जिस तरह से मॉडिफाई करते हो, काम आपने किसी से सीखा है या क्या है? जिस तरह से गाइस मैं आपको बताता चलूँ, जी मैंने बिल्कुल ये काम सीखा है। कोई भी काम इस दुनिया में कोई भी शख्स जो है बग़ैर सीखे नहीं कर सकता है। तो मैंने ये काम किस तरह से सीखा है मैं आपको बताता चलूँ। मेरे फादर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, और उसके साथ बहुत ही यंग एज से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब क्या नाम है बच्चे अपने पेरेंट्स से जो है टॉयज़ की ज़िद करते थे, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टॉयज़ उनको चाहिए होते थे एक्सपेंसिव इस तरह के, मैं जो है हमेशा अपने पेरेंट्स से मैं ज़िद करता था कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट के लिए, कोई ऐसा सर्किट हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें लाइट्स चलती हों, और मैं मुझे जो भी टॉय मिलता था मैं उसको खोल देता था, मैं उसको खोल के मैं चेक कर रहा था। मैं आपको बताता चलूँ, व्हेन आई वाज अराउंड आई गेस 7 to 8 ईयर्स ओल्ड, उस टाइम जो है मैंने फर्स्ट टाइम सोल्डरिंग सीखी थी। सोल्डरिंग मैंने कैसे सीखी थी? सोल्डरिंग भी मैंने खुद ही सीखी थी, क्योंकि मैं अपने फादर को देखता था, वो मतलब सर्किट्स वगैरह सोल्ड करते थे, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते थे। तो मैं एक दो दफ़ा मैंने उनको अपने फादर को देखा था कि सोल्डरिंग वो कैसे करते हैं,
उसके बाद मैंने क्या किया कि एक दफ़ा वो घर पे नहीं थे तो मैं चुप करके जो है उनके रूम में चला गया जहाँ पे वो अपने मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह रिपेयर करते थे, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स जो है बनाते थे वो। तो मैंने चुप करके जाकर उनका सोल्डरिंग आयरन ऑन कर लिया। उसके बाद जो है फिर मैं अपने फादर को पहले देखता था कि वो पहले सोल्डरिंग फ्लक्स यूज़ करते हैं, आई मीन सोल्डरिंग वायर यूज़ करते हैं, फिर जब उन्होंने कोई सर्किट के ऊपर से कोई कंपोनेंट उतारना होता था तो साथ में सकर यूज़ करते थे, तो सोल्डरिंग पम्प जिसको कहला बोलते हैं, डी सोल्डरिंग पम्प जो होता है, तो उनको फिर मैंने देखा था। उसके बाद जो है फिर मैंने एक दफ़ा वही मैंने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने जाकर चुप करके उनके रूम में से उनका सोल्डरिंग आयरन मैंने ऑन कर लिया, और उसके बाद जो है फिर मैंने बैठ के ज़रा एक दो सर्किट सुनी कि मैंने उठाकर सोल्डरिंग करने मैंने उसके ऊपर शुरू कर दी। तो एक दो दफ़ा तो मैंने अपना हाथ भी जलाया था बहुत बुरी तरीके से, जिस पर उनको पता भी चल गई थी ये बात, और एक दफ़ा फिर मैंने जो है सोल्डरिंग करने की कोशिश की थी, जिस पर उनका एक बहुत ही मैंने समझ लिया एक प्रीशियस उनका प्रोजेक्ट था जो मैंने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस तरह से ही कर करके मैंने जो है ये सारा मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा, सोल्डरिंग करनी सीखी है मैंने, चीज़ों को सर्किट्स को डायग्नोस करना सीखा है मैंने, और मेरे जो फादर हैं उनको भी बेसिकली गाड़ियाँ जो है मतलब आप समझ लें एक तरह से मॉडिफाई करने का उनको भी एक टाइम में शौक था। तो अब जो है थोड़ा सा उन्हीं के समझ लें कि उन्हीं के दिए हुए आइडियाज़ थे जो मैं मतलब जिनको यूज़ करके और मैं अपनी गाड़ी में मॉडिफाई करता हूँ। तो बस ये मैंने आप लोगों को एक छोटी सी मैं चीज़ बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग मुझसे एक ही किस्म के क्वेश्चन हमेशा, जब से मैं YouTube पे आया हूँ उस पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मैं जब बाहर जाता हूँ कोई मेरे फ्रेंड की कोई चीज़ ख़राब हो जाए उनको मैं रिपेयर करके देता हूँ, या मतलब कोई भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने काम कब सीखा है और किससे सीखा है। उनको भाई मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैंने ये काम बहुत यंग एज से मैंने सीखा है। मैंने जिस तरह से अभी बताया है कि बच्चे जब टॉयज़ के लिए ज़िद्द करते थे जिस एज में मैं, उस एज में अपने पेरेंट्स से मैं इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स वगैरह के लिए और ये जितने भी बल्ब्स वगैरह होते हैं मैं इसके लिए ज़िद्द करता था अपने पेरेंट्स से। मैं कहता था मुझे ला के दो मैं इसको देखूँगा ये क्या चीज़ है ये, और मतलब कोई मेरे ऐसे रिलेटिव्स वगैरह होते थे जो मुझे टॉयज़ वगैरह कोई इंपोर्टेड टॉयज़ वगैरह गिफ्ट करते थे तो मैं क्या करता था उसको मतलब एक ही दिन में मैं अपने फादर के वो टूल्स उठाकर मैं खोल देता था उसको, मैं खोल के मैं देखता था उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मतलब यूज़ किए हुए, क्या मैकेनिज्म क्या है, इसका किस तरह से टॉय चल रहा है। तो बस गाइस आज की वीडियो यही थी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करना चाह रहा था। तो आई होप सो कि यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ गिव इट थम्स अप and subscribe to my channel. Stay happy and stay blessed all of you. Allah Hafiz.